बाबा भीम के अलावा नहीं कहूँ नौ जमाना सारा देखी चुके बाबा भीम के अलावा नहीं कहूँ नौ जमाना सारा देखी चुके कैसे पैदा तो हमारे भारत देश में बहुत महापुरुष हो गए लेकिन कौशल्या के राम भय तब दशरथ पुत्र कहाई कौशल्या के राम भय तब दशरथ पुत्र कहाई कहाई पक्की बात ना है इनकी भैया सुनील और महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं थी तो श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ को करवाया जो कि यज्ञ से खीर लेकर के अग्नि देवता प्रकट हुए और खीर खा करके तीनों रानियों ने जब खीर को खाया है तब महाराज दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति हुई है। अब आप लोग हमारे पढ़े लिखे समाज के लोग ये बतलाएंगे जो चीज मुख से खाई जाती है वो अमाशय में जाती है या गर्भाशय में जो चीज मुख से खाई जाती है वो अमाशय वाली आंत में जाती है लेकिन उन ढोंगी आडंबरी पाखंडी लोगों ने उसको गर्भाशय में प्रवेश कर दिया। होश करो मेरे भाइयों कौशल्या के राम भय तब दशरथ पुत्र कहाई और ऋषि मुनियों के शीश काट गई कब लवकुश कांड उठा करके देख लीजिए शंभुक मुनि पर्वत पर बैठे तपस्या कर रहे थे भगवान राम ने अपने हथियार से उनका सिर काट लिया था क्योंकि वो शूद्र थे और ऋषि मुनियों के शीश काट गई ये हिंदू प्रथा चलाईनी इनके शासन में यहाँ रहे सब जन रोई जमाना सारा देखी चुके बाबा भीम के अलावा नहीं कहूँ नौ जमाना सारा देखी चुके एक भगवान और पैदा हुए हैं गौर करो देवकी जी के कृष्ण भय तब नंद के पुत्र कहाई देवकी जी के कृष्ण भय तब नंद के पुत्र कहाई कहाई पैदा कहूं अंत भय और राते रात माँ उठाए के डार आए गए कहीं अंत हम झूठ थोड़ो बताए थे देवकी जी के कृष्ण भय तब नंद के पुत्र कहाई और बहु रूपियन नंगी करी जा रही कब जब गोपियां गंगा में यमुना में स्नान करती थीं तो ये अपने बांसुरी के सहारे से उनके वस्त्रों को उठा लिया करते थे और एक कोने में बैठ जाते थे चुप करके कोने में बैठ जाते थे जब गोपियां स्नान करके निकलती थीं तो देखती थीं हमारे वस्त्र नहीं हैं तो कन्हैया से आराधना करती हमारे वस्त्रों को दे दो तो मालूम भगवान कन्हैया क्या कहते रहते
तन को बाहर निकलो तब दे, तन को बाहर निकलो, यानी कन्हैया करें तो लीला है और आजकल के लड़का कोई करें तो छिनारा है। देवकी जी के कृष्ण भय तब नंद के पुत्र कहाई, और बहु रुपियन नंगी कर जा रही इनका तनिक शर्म ना आई, इनका कहती कुमार भगवान जमाना सारा देखी, और एक देवता प्रकट भए हैं, कौन? हरदेव राजा तुम्हारे गांव में है? आइस कोई गांव नहीं जिसमें हरदेव राजा ना हो। और ये पूर्व जन्म के गुंडा थे, कैसे था हरदेव बहुत ही गुंडा की और प्रजा संग भेजा, जैसे पूर्व जन्म में कोई राजा हुआ करता था, जब राजा हुआ करता था तो जब कोई नई नवेली दुल्हन आती थी तो उद्घाटन के लिए सबसे पहले राजा के यहाँ जाती थी, वैसे ही हरदेव उद्घाटन के लिए सबसे पहले अपने घर में बुलाते थे। था हरदेव बहुत ही गुंडा कियो प्रजा संग भेजा, और अपने घर की बहुएं बिटिया और उनके घर का ले जा, तिनका कहती सबाई देवधान जमाना सारा देखी चुके, जब संसार में दुख चारों तरफ फैल गया, छुआछूत फैल गई, ये पाप देखा नहीं गया, भारी दुख देखी दलितन पर भीम भय अवतारी, भारी दुख देखी दलितन पर भीम भय अवतारी, और डूबत नैया सब दलितन की, जिनने पार लगाई बन के बैरिस्टर दिलाए अधिकार जमाना सारा देखी चुके, बाबा भीम के अलावा नहीं कौनो जमाना सारा देखी चुके, बोलिए बाबा साहब की।